आपके पास मटेरियल्स क्या है, आप किसे ड्रॉ कर रहे हो, उस पे उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जो क्वालिटी ना थोड़ी रफ है, अगर आप स्केच करोगे ना तो इतनी स्मूथ नहीं है, प्यारी मतलब क्वालिटी अच्छी इसकी, बाकी आप इससे डार्क एरिया से ड्रॉ नहीं कर सकते। मुझे उनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, 4B, HB, 2B बहुत सारे क्लियर थे, मैं बस 4 पेंसिल से कोई से उठा के ले आया था, मुझे लगा था स्केचिंग वाली होती, मैं उठा के ले आया। बिगनर्स जो आर्टिस्ट रहते हैं उनके माइंड में ये चलता रहता है कि पेंसिल्स कौन सी यूज़ करें, क्योंकि बहुत महंगी महंगी पेंसिल आती है, बहुत अलग अलग ब्रांड्स आते हैं। वैसे जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरे पास में 4 पेंसिल थी कुछ अप्सरा की, और उसके बावजूद मैंने बहुत नॉर्मल पेंसिल्स भी ड्रॉ किए हैं। जैसे कि ये मेरी सबसे फर्स्ट स्केच बुक है जो मेरे सबसे पहली है, इसका स्केच बुक टूर के बाद में दूंगा, बाकी इसमें थोड़ी बहुत हेड ड्राइंग्स मैंने बहुत ही नॉर्मल और चीप पेंसिल से बनाई है। सो ये कुछ मेरी फर्स्ट, जब मैंने ड्रॉ करना सीखा था, पता नहीं दिख रही कि नहीं दिख रही पता नहीं, तो ये ऐसी कुछ ड्राइंग्स थी मेरी, बाकी जो सबसे मेरे फर्स्ट स्केच बनाई थी वो ये है। सो ये नॉर्मल पेंसिल से ड्रॉ करी है, बाकी हाँ एक पेंसिल जो है जो मैंने इसका ड्रॉ करने में कभी यूज़ नहीं किया वो है ये तो, बाकी है पेंसिल्स ये सारी, बाकी इनका यूज़ ड्राइंग में कंपटीशन वगैरह वगैरह अंदर रोज करते रहते। बाकी हाँ ये वाले पोर्ट्रेट थी जो बना रहा था, बाकी ये फेल्ड हो गई, जो थोड़ी रीड्रॉ करेंगे बाद में। बाकी हाँ ये सुबह मुझे लगा कि ये पेंसिल आज तक मैंने कभी यूज़ नहीं की ड्रॉ करते समय नटराज, और हाँ मैं ना इसको पूरी ख़त्म करूँगा, इसको ड्रॉ इससे ही ड्रॉ करूँगा, मतलब इसका ही यूज़ करूँगा और इसके अलावा कोई दूसरी पेंसिल यूज़ नहीं करूँगा, और इसको पूरी ख़त्म करूँगा, मतलब चैलेंज तो नहीं लेता बाकी हाँ कोशिश तो करूँगा। सो हाँ यही होता है कि ड्रॉ करने के लिए अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हो कैसे भी आर्टिस्ट हो, आपको ड्रॉ करने के लिए पेंसिल मैटर्स नहीं करता, आपकी स्किल मैटर करती है। सो आप जो मेंटलिटी बना के बैठे हैं कि भैया आप महंगी पेंसिल तो भी अच्छा ड्रॉ कर सकते हो, तो दूसरी पेंसिल पेंसिल के ब्रांड के ऊपर कोई डिपेंड ही नहीं है, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड है। मुझे तो देखते हैं कैसा ड्रॉ होता है, मुझे थोड़ा नर्वस तो है क्योंकि मैंने सुबह ही एक ड्राइंग ट्राई करी थी, जैसे यह ड्राइंग है जो मैंने मेरी पेंसिल से बनाई है, कंप्लीट नहीं है, और हाँ यह ड्राइंग है जो मैंने नटराज के पेंसिल से बनाई थी सुबह। सो ये कुछ ऐसी है। सो मैंने ब्लेंड नहीं किया, मैंने दिल्ली में बनी है और आधी दूर बनी हुई, तब मेरा मैं बस ट्राई कर रहा था बनाने का, तो कुछ खास तो नहीं है, बस वैल्यूज क्रिएट करें। सो अब थोड़ा रियलिस्टिक के अंदर और थोड़ा सीरियसली बनाएंगे, तो देखता हूँ कैसी बनती है। सो ये वाली पेंसिल ना पूरी यूज़ करेंगे और रात भर ड्रॉ करेंगे इसको, रात भर ड्रॉ करेंगे इसको बनाएंगे, और अभी कुछ टाइम हो रहा है 1:23, देखते हैं क्या। सबसे पहले तो ये वाली पोर्ट्रेट बनाने सोच रहा हूँ, वैसे सोच रहा था कोई मूवी सीन्स या फिर कोई सीनरी ड्रॉ करता हूँ, बाकी सबसे पहले एक पोर्ट्रेट ट्राई करते कि नटराज की पेंसिल से पोर्ट्रेट ड्रॉ होता है कि नहीं। सो बेसिकली सबसे पहले तो आउटलाइंस पे जाते हैं, तो पहले आउटलाइंस फिनिश कर लेते हैं। Thank you.
ये वाली पोर्ट्रेट तो कंप्लीट हो चुकी है फुल, और अभी टाइम हो रहा है 4:53। सो अभी ये वाली वीडियो बनाते बनाते मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए, और अलग अलग बनाई हुई, जैसे ये वाली पोर्ट्रेट कंप्लीट करने के बाद, ये वाली पोर्ट्रेट कंप्लीट करने के बाद मैंने ये वाली बनाई। सो ऐसे ही 2-3 स्केचेस बनाई ताकि पेंसिल को पूरी कंप्लीट कर सके, और ये भी कुछ इतनी बची हुई है इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। इस पेंसिल्स के अंदर, ये HP पेंसिल्स है, नॉर्मल पेंसिल्स है, ठीक है, तो इसके अंदर डार्क एरियाज थे ना वो तो बिल्कुल हुए नहीं, सिर्फ लाइट लाइट एरियाज हुए। मैंने एकदम डिटेल में ड्राइंग नहीं करा, मैंने सिर्फ हैचिंग करी और नॉर्मल स्ट्रोक्स लगाए स्केचिंग के अंदर, ड्राइंग्स के अंदर। और यहाँ पे इसके ब्लेंडिंग जो थी ना, ब्लेंडिंग अच्छे से हो रही थी, इतनी स्केचिंग इतनी वो नहीं है, जैसे मार्क बहुत सारी जगह पे फेस के अंदर या फिर कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे मार्क्स छूट जाते हैं और वहाँ ब्लेंड नहीं हो पाता, बस उतनी ही दिक्कत है। नहीं तो इसकी जो क्वालिटी ना थोड़ी रफ है, अगर आप स्केच करोगे ना तो इतनी स्मूथ नहीं है, और वैसे भी है तो नटराजी। और ठीक है, हाँ, इसकी लीड ब्रेकिंग प्रॉब्लम बहुत प्यारी, मतलब क्वालिटी अच्छी इसकी, बाकी आप इससे डार्क एरिया से ड्रॉ नहीं कर सकते, आप इसे ड्रॉ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप, आपके पास पेंसिल्स नहीं है, अगर आप शुरू भी कर रहे हो तो बेस्ट है कि आप नटराज पेंसिल से ड्रॉ करो। अगर प्रैक्टिस करने के लिए नटराज ना हो तो अप्सरा लो, अप्सरा में तो बहुत सारी सस्ती पेंसिल्स मिलती है मार्केट में जो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको स्केचिंग करनी है या फिर ड्राइंग प्रोग्रेस करना है, इम्प्रूव करना है, तो आपको महंगी पेंसिल से लगेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो कोई सी भी पेंसिल, मैं जब बिगनर था, जब मैंने जब शुरू ही किया था तो मैंने भी अप्सरा ही यूज़ किए थे। मुझे उनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, 4B HB 2B बहुत सारी क्लियर थी, मैं बस 4 पेंसिल से कोई सी उठा के ले आया था, मुझे लगा था स्केचिंग नहीं होती, मैं उठा के ले आया। सो प्रैक्टिस करो, अपने ज़्यादातर जो फोकस है उसे आप स्केचिंग के ऊपर लगाओ, या अपने प्रैक्टिस या फिर अपने जो लेवल है, बेसिक लेवल है, उसके ऊपर अपना दिमाग लगाओ। आपके पास मटेरियल्स क्या है, आप किसे ड्रॉ कर रहे हो, उस पर उससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो किसी भी चीज़ से ड्रॉ करो, तो पेंसिल नहीं, आप ड्रॉ करना आना चाहिए, बस आप कुछ भी किसी भी चीज़ से आप ड्रॉ कर सकते हो। सो ये वाली वीडियो तो यहीं तक ही थी, अब ड्रॉ करो, बस ड्रॉ करो, मटेरियल कुछ भी हो सिर्फ ड्रॉ करो। अगर हो सके तो रोज़ एक ड्राइंग बनाओ, जितने हो सके उतनी बनाओ। अलग अलग यूट्यूबर्स आते हैं, अलग अलग यूट्यूबर्स की वीडियो देखो, वो कैसे ड्रॉ करते हैं, उनसे एक्सपीरियंस लो। और बहुत सारी बुक्स आती है, बुक्स पढ़ो, मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है जिसमें आपको अलग अलग ड्राइंग टेक्निक के बारे में पता चलेगा। और नहीं तो आप रिसर्च करो, सीखो, ज़रूरी नहीं कि आप सीख ही लो, आप मन से भी सीख सकते हो। आप रोज़ मतलब आप जो उसके तरीका है वही आप यूज़ करो, और उससे स्टेप बाई स्टेप सीखने की कोशिश करो, हालांकि आप प्रोग्रेस अच्छे से कर पाओगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, नहीं हो तो आगे के कंटेंट के लिए मुझे बताना कि मैं आप किस तरह की वीडियो और बना सकता हूँ। और ये वाले तो यहीं तक ही थी, सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।